प्राथमिक शिक्षा ननिहाल में हुई, पांच तो इनके पिताजी इनके पैदा होने के तुरंत बाद मर जाते हैं और इनकी सेवा बर्दाश्त करने के इनकी नानी नन्ना ले जाते हैं, वहीं कक्षा पांच तक इनकी शिक्षा देते हैं। बड़े होने पर आज भी मौजूद है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज, हरिश्चंद्र इंटर का, वहाँ एक से डिग्री तक का परीक्षा हो, वहीं इनकी शिक्षा दी, मैट्रिक वहीं से पास किया, हाई स्कूल उन दोनों मैट्रिक हाई स्कूल हरिश्चंद्र स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद आज सुनंदरम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम काशी विद्यापीठ, शास्त्री क्यों कहा गया, सन 1974 तक ध्यान दीजिएगा, 1974 तक काशी विद्यापीठ बीए पास करने वालों को शास्त्री की डिग्री देता, जो वहां लड़का बीए पास करता था उसको शास्त्री की उपाधि मिली, लाल बहादुर शास्त्री जी काशी विद्यापीठ के बीए के छात्र होते थे, शास्त्री को पास किया। गांधी जी आए थे बनारस, जब बनारस में आए थे तो शास्त्री जी विद्यालय अपने विद्यालय छात्र जो में गांधी जी के संपर्क में आए, अब ये देश सेवा में लग गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के देश सेवा में, गांधी का कुर्ता धोती टोपी लगाने लगे, गांधी का कुर्ता धोती टोपी लगाने लगे, गांधी जी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। ये भैया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए तो उन दिनों में कक्षा पाँच कक्षा में सन 64 छुट्टी भाई हमारे आते हजारों कुमार सब मशीन घर पर वो जब खूब दूर रहे हम तो दुनिया पढ़ने की तरह होता है, पहले रेडियो खबर आ गई हमारे देश के प्रधानमंत्री मर गए, छुट्टी हो गई, छुट्टी पर हमने चलो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद देश की ऊंचाई मरकाना होना घटना जी के खिलाफ ने जो चाहिए तब कौन गुलजारीलाल नंदा को सौंप देगा पार्टी में, तब गुलजारीलाल नंदा उस दिन चढ़ोना के बाद रेल मंत्री रहना शास्त्री जी रेल मंत्री गृह मंत्री विदेश मंत्री का नाम थोड़ा बढ़ना जाते तो जो भी रहना इनकी शालीनता इनकी अच्छाई इनकी ईमानदारी को देख करके इनको पीएम का पद प्रधानमंत्री का पद, बड़ा सादा जीवन उच्च विचार और सुना देश में सूखा पड़ रहा है, ए भाई थोड़ा मोबाइल देश में सूखा पड़ रहा है 65, 66, 67 तो हम उनके बाबू जी के भी जन्म रहे थे ना रहे गरीबी रहा सूखा पड़ गया, खेत का नाज ना कुछ भी भरभार होता है, नंदगंज से टोटा आवा मन कमाई बाबू जी आवा अमेरिका से बदलना तो कुछ ही आवा ना जो नहीं तो ताना खा के मन स्कूल जाए बाबू माई काम कर भैया। तो ये हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति का नारा दिया और कहा जय जवान जय, जवान सीमा की रक्षा करेगा और किसान खेत की रक्षा करेगा, फसल पैदा अब इंदिरा गांधी जी ने जवाहरलाल बेटी प्रधानमंत्री इतिहास में देखिए भारत के इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाया, अमेरिका से जाके गेहूँ लाया, हम लोग छात्र प्रेम भरे 3 वर्ष में सूखा रहे बात 65, 66, 67, 68 बरसात हुई नंदन में कक्षा पाठ, उस गरीबी का दिन हम लोग देखे हैं आप लोगों को पता नहीं है इसका बड़ा पहले होगा पढ़िया हमारे भगई बात मन पड़े गए भैया कभी फाटल सुना कभी फाटल आप कपड़ा धोखे मारी लोग तो सरिया का अपने बाबू के धोतिया के पास करिए और लड़की बेचारी हमारे स्कूल ना देखा समय पर बढ़ता समय पर उत्तर बोला सब बाबू पढ़ लिख के हमारे देश के लोग नेता भैया अब्दुल हमीद कैसे लोग दुश्मन के हरोगे हरोगे कि ना हरोगे यही तो सवाल है ना। अच्छा तो कहे तात्पर्य हमारी है आज देश के बना भी
का दुनिया की लाज का दुनिया की है दुनिया की लाज का आज अंग्रेजा के अंदर आज सर कर का घमा दिया चंद्रयान का है पुष्पक विमान पुष्पक विमान खुशी से मैं करता है भगवान राम वहाँ लंका से ले जा रावण के पुष्पक विमान करता है अभी ना तो विज्ञान कमल हो गए ना लेकिन ज्ञान ना रहे विकास ना के लिए जा आज विज्ञान का लड़का पर जो भैया विज्ञान बनके उसे विकास करता है यही शांति लेकर सब कुछ हर लड़का और कौन है बल्कि ब्रह्मचर्य राम भाभा विज्ञान कंपनी में भर्ती है यही विद्यालय हनुमान को पढ़ाओ लड़का बाढ़ू राम विदेश अमेरिका में रह रहा है गर्व होता है इस समय अपने छात्रों की तो कहने का मतलब मैं क्यों दिमाग ले गया था लड़की देखो आज की लड़कियां ही पढ़ रही हैं लड़के लोग नहीं पढ़ेंगे एक दिन हम भगवान भगवान कर देने की लड़का है तो तुम्हारे देखो लड़का था संतो और हम लड़के डाला था काले की मतलब आप एक बार गलती बोल गए कहा बेटा कला कला की कलने की बड़े बड़े मोबाइल देखो हे बाबू हम दूर से ना करने वाला क्या काबू में कर रहा ना खोले हो मेरे छात्रों शिक्षक बनो आप जो रोड पर घर से दूर आते जाते हो देख लो आठ दो सात बोलेगा दो सौ पट कर हले आएगा हमारे की उम्र दस बारह चले हुए आज के दस बारह चलो वही जाते हो झूठा वो बिलीव भी तो हो रही है वो क्या पढ़ेंगे जो लोग दूसरे को बैठा के ध्यान दिए अकौले की यहाँ पकड़ के दिए यह रहा बन गया तो ये बचवा पढ़ा बन गया माई बाबू घर वाले के धोखा मत दा पढ़ा लो कर नहीं क्या चिड़वा थी नहीं बोल के तुम मोबाइल बहुत अच्छा कर रहे हैं ये माई बाबू ये क्या जूता से मार ईमानदारी को बोल दो ईमानदारी भाई मां साहब तो बोल रहे हैं हम हूं एक तो आठ सज्जन मान के बोल रहे हैं गुरु सम्मान गुरु सम्मान कितने बड़े पोस्ट पर चल जाओ परंतु माता पिता गुरु को मत भूलना पढ़ले है कौनो माई बाबू तो लेकर डीएम हो गल चल गल करे क्वार्टर पर जब चला तो भैया को पहला तो क्या कोई बनिहार हमारे घर में बाबू मत करिए अयर शास्त्री जी प्रधानमंत्री ने रहना पड़ेगी इंटर गुरु जी पंडित जी रहना हेड मास्टर प्रामाणिक सुना कि अब प्रधानमंत्री घर बहना अच्छा कहना वहाँ बेचारू दामा गेट को कहना वो पहरेदार वहाँ जा कर सरकार आपके गुरु जी को याद रखें अरे कहाँ कंके जवाब अपने भैया के ना भेजना छोड़ के जब भी प्रधानमंत्री भाग ले गुरु जी को जो चरण प्रणाम कहना गुरु जी भेजता और अच्छे से पानी दाना चाह पान देने के बाद ना गुरु जी कैसे आसन करें भैया पंडित जी लोग लालची हो प्रधानमंत्री होकर हमारे पुत्र का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भोजन से बनारस के डीएम को फोन के ना बनाने पंडित जी को ले गया कमोनोटेक लगा दो भैया लग गए नोटे सब कमजाई हो जाए चलिए ना फिर भगवान से सुदामा कर इधर कौन ना कह रहा हमारे चबरो ले रहे हमारे चबरो ले रहे हमारे भगवान तो दे दे एक मुट्ठी पर एक लो दो मुट्ठी पर दो लो कि सर्दी को जितना भी माता पकड़ दे हमारे कहाँ रह गए ये भैया गुरु की यह महत्ता है तो पंडित जी वाला रेलवे गाड़ी से आप अरे तो फिर बदल गए तो ये भैया ये दोनों महान जो विभूति हैं अच्छा हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर के अवतार है सत्य हिंसा और ईमानदारी पर सत्ताई पर सादगी पर ऐसे ऐसे महान विभूति मैं भारत माता से अनुरोध करता हूँ प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे लायक बेटा को ये जन्म दे जय हिंद जय भारत